नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से हम अपने बगान के अंदर पहुंचे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक अनार का जो पेड़ है उसके काफ़ी ज़्यादा जो अनार है वो लगे हुए हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे हमारा घर है, वहाँ पे हम इन अनार को लेके जाएंगे और वहाँ पे इनकी जो ग्रेडिंग है वो इन अनार की ग्रेडिंग होगी, यानी छोटा अनार एक तरफ, बड़ा अनार एक तरफ, जो ग्रेडिंग होती है वो सिस्टम हम वहाँ पे ले जाने के बाद करेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से एक अनार के पेड़ के मतलब अनार लगते हैं। जैसे इस पौधे के आप देख सकते हैं कि 100 से 150 अनार वो लगे हुए हैं, और इनकी अगर हम अभी मतलब छंटाई करना शुरू करेंगे तो लगभग एक या दो बाल्टी तो भर जाएगी आराम से, कोई डाउट नहीं। जैसे ये अनार आप देख पा रहे होंगे पक गए, कुछ अनार ऐसे फट भी जाते हैं अपने आप, जैसे अपने आप इसको देखिए अपने आप फटके, इसके अंदर के जितने भी बीज थे वो सारे नीचे गिर चुके हैं। तो ये भी होता है अक्सर किसान के साथ, लेकिन किसान उनकी परवाह किए बिना, लेकिन किसान उनकी परवाह किए बगैर अपने काम के लिए मस्त रहता है, और उसको आखिर के अंदर जो रिजल्ट मिलता है वो एक टाइप से पॉजिटिव रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये जो अनार है वो हमने दो पौधों के तोड़े हैं, बड़े बड़े अनार हैं, और इनको जैसे हम अभी यहाँ पे कट्टों के अंदर डाल रहे हैं, और फिर जैसे इन अनार को हम डाणी के लिए लेके चले जाएंगे, या घर पे लेके चले जाएंगे, और वहाँ पे इनकी ग्रेडिंग होगी। लगभग ऐसा लग रहा है कि 50 kg के अराउंड है ये, और यहाँ पे जो अनार की जो क्वालिटी है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े अनार हैं। और हमारे बीच एक नए सदस्य पहुँच गए हैं अभी, ये आज स्कूल कौन गई, छुट्टी कौन है, आज छुट्टी हो गई, ये बोल रही है छुट्टी कौन, लेकिन छुट्टी है इसको छुट्टी है देख, इतना फूट रखा बड़ा फिर जाए स्कूल में। जैसे हमने जो अनार है उनको ला के यहाँ पे जैसे हमने डाल दिया था, और ये अभी मैं सच्ची में बताऊँ तो काफ़ी आखिर के अनार बचे, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी कम अनार है। ये जो 3 कट्टे हैं वो छोटे अनार, या अगर हम बोल सकते हैं मीडियम साइज के जो अनार होते हैं उन अनार से भरे हुए, और ये जो 3 कट्टे हैं वो कुछ बड़े जो अनार होते हैं बड़े अनार से भरे हुए। और यहाँ पे ये थोड़े से अनार हैं, थोड़े तो नहीं बोल सकते लेकिन मतलब 30-40 kg बोल सकते हैं, क्योंकि अभी और भी वहाँ से मतलब छटाई हो रही है। 30-40 kg जो अनार है वो ये थोड़े फटे हुए अनार है। यहाँ पे ये हमारे प्रियांशु जी वापस आ गए हैं हमारे साथ में, चलिए हम दादी जी की तरफ चलते हैं, और वहाँ पे हम थोड़ा जो लाइक शेयर वाला जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कर देते हैं। चले प्रियांशु, देख सकते हो कि जो बड़े और जो छोटे अनार थे उनकी दादी जी ग्रेडिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको पहले वहाँ पौधों के अंदर बता रहा था, अनार है उनकी ग्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर हम बोलते हैं छटनी कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है जो बड़े अनार होती हैं उनकी रेट थोड़ी ज़्यादा मिलती है, और जो छोटे अनार होते हैं उनकी थोड़ी रेट कम मिलती है। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे जो मिस्टर ए टू जेड चैनल है उसमें मैं आपके लिए इसी तरीके के किसान से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव और इंजॉइंग वीडियोज लेके आता रहता हूँ। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ग्रेट, इस बार इसने इम्प्रूव किया, तो इसी तरीके से दोस्तों प्लीज थैंक यू वेरी मच।